लुधियाना के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री की इमारत भीषण आग लगने के बाद गिर गई। इस हादसे में 8 के करीब व्यक्तियों की मौत हो गई और 19 लोगों के दबे होने की खबर है। आग की घटना सुबह कल 8 बजे के करीब बताई जा रही है। दमकल विभाग की करीब 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा रही थी कि 4 मंजिला इमारत गिर गई। इसके चलते मलबे में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों तथा अन्य लोग दब गए। इसमें 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल सभी को वहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इमारत के गिरने के बाद NDRF को बुलाया गया। इसके साथ ही सेना को भी अलर्ट कर दिया गया है। लुधियाना से जसवीर जस्सी। ये जो हादसा हुआ तकरीबन 12:30 बजे हुआ है और जब हादसे के बारे पता लगा तो सारे सिविल ऑफिसर यहाँ पहुँच गए हैं। NDRF की टीम बस पहुँचने वाली है और DAP जलंधर से भी हमारी टीम चल पड़ी है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद है कि मतलब इनमें से कुछ लोग बचाया जाएगा। कितने लोग अभी तक बताए गए? अभी तक यहाँ पे जो लोगों ने बताया कि आग ऑलमोस्ट बुझ चुकी थी और उसके बाद में कुछ लोग देखने गए थे तो उसमें से 12-15 लोग एंट्रा पड़े। 12-15 लोग। आर्मी को भी लट गया क्या? कुछ आर्मी को भी एक डेड बॉडी निकाली गई है। कोई आर्मी में लट गया है? आर्मी को भी लट गया। वो आर्मी को इसमें इंडिया की टीम जो है वो आई हुई है। अंदर है गया यार। तुझे अंदर क्यों गए? वो अंदर भी कोला मांग के लगी थी तो मार कर गई जल्दी। अभी तेरे फोन काटे वो इतने ही आ गए। अभी तेरे थे? अभी तेरे थे?